Hey guys, welcome back to the brand new Excel video. My name is Jodhas. Guys, आज मैं करने वाला Moto Edge 50 Pro के अंदर चार्जिंग टेस्ट, 125 वॉट का चार्जिंग टेस्ट. देखते हैं इस फोन को कितना समय लेता है फोन 0 to 100% फुल टू चार्ज होने में. बाकी गाइस 125 वॉट का चार्जिंग टेस्ट एक्सक्लूसिव में डाल रहा हूँ चैनल पे, तो अगर लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर देना. बाकी गाइस मैंने इस फोन का एकदम डिटेल में बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी किया है, मतलब हेवी टेस्ट रन करा है, अंतुतु बेंचमार्क रन करा है, सीपू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है, 4K वीडियो रेंडरिंग किया है, जितना समय ऑन था मैंने पूरा वीडियो शूट किया है. बहुत मेहनत किया है गाइस उस वीडियो में बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट में, तो आपको शॉकिंग रिजल्ट पता चल जाएंगे कि 4500 का इमेज का बैटरी कितना ज्यादा तक सर्वाइव कर पाता है. ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, जरूर से एक बारी चेकआउट कर लेना. ओके, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो देख के आपको. ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. यार बहुत मेहनत इस वीडियो में भी मैंने किया है, तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो. लेकिन उसके लिए गाइस एक चीज आपको दिखा देता हूँ, 125 वॉट में चार्ज करने के लिए ये जो चार्जिंग बूस्ट है इसको आपको ऑन रखना है, नहीं तो हो सकता है कि चार्ज ना हो. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एक्साइटिंग वीडियो. तो आज मैं करने वाला हूँ Moto Edge 50 Pro के अंदर 125 वाट का चार्जिंग स्पीड टेस्ट. ये गाइस 125 वाट का चार्जर है. एक्चुअली बॉक्स के साथ तो 125 वाट का चार्जर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसको मैंने 8GB 128GB का वेरिएंट बाय किया है. ओके, मैंने चार्जिंग पे लगा पे भी दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हो 125 वाट का लोगो आ रहा है, इसका मतलब 125 वाट का आउटपुट इनपुट सपोर्ट कर रहा है. बाकी ये गाइस 125 वाट का ही चार्जर है एंड पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली इसको सपोर्ट करेगा. बाय द वे कंपनी ने तो क्लेम किया है 18 मिनट में 125 वाट के चार्जर के द्वारा ये फोन 0 to 100% फुल टू चार्ज हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो. एंड अभी इस फोन में जरा सा भी चार्ज नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो. ओके, एंड चार्जिंग करने के लिए मैं जो ऑफिशियल केबल आता है इसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ. ओके, तो चलिए सेटअप वेटअप कर लेते हैं. मैं सेटअप करके वापस आता हूँ, देखता हूँ कितना समय लेता है. ओके गाइस, तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर दिया है, अब बस स्टॉप वॉच को ऑन करूँगा एंड प्लग कर दूंगा. ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 2 3 स्टार्ट. नहीं हुआ, 1 2 3 स्टार्ट. ओके, तो लगा दिया है. तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज होना भी स्टार्ट हो गया है. तो देखते हैं कंपनी ने जो क्लेम किया है 18 मिनट में. ओके गाइस, तो आप देख सकते हो घड़ी में ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया है. तो 5 मिनट हो गया एंड देख लेते हैं 5 मिनट में कितना परसेंट चार्ज हुआ है. ये आप देख सकते हो 5 मिनट में गाइस 25% चार्ज हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो. तो अभी गाइस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट घड़ी में 10 मिनट होने को आया है. ओके, तो चलिए तो अभी देख लेते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ है. 10 मिनट हो गया जैसे कि आप देख सकते हो, तो 76% गाइस 10 मिनट में काफ़ी ज़्यादा है जैसे कि आप देख सकते हो. ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 15 मिनट होने को आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो घड़ी में, एंड 15 मिनट हो गया. तो अब देख लेते हैं हमारा फ़ोन जो है वो कितना परसेंट चार्ज हुआ है. ओके, तो 97 गाइस, 95 से डायरेक्ट 97 हो गया यार, गजब है ये तो. ओके, तो चलिए मैं इस फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ, आपके सामने ही हुआ गाइस, देखो आप खुद देखो यार, 95 था 97 हो गया यार, कितना फास्ट हो रहा है ये. तो 97 पे ही है अभी देखते हैं, चलो 97 से कितना समय लेता है. और अब अंत में जाके थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, कंपनी ने तो 18 मिनट का बोला था, तो देखते हैं 97 से तो अभी ये ज़्यादा समय लेगा. अभी आप गाइस देख सकते हो ऑलमोस्ट 17:32 के आसपास हो गए, तो कंपनी ने 18 मिनट का किया था, तो 99% चार्ज हुआ है. कंपनी ने क्लेम किया था कि 18 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा 0 to 100%. तो देखते हैं यार क्या लगता है आपको, कर पाएगा कंपनी ने जो क्लेम किया है वो? तो यार नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ, एंड लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं एक एक वीडियो में. Moto Edge 50 Pro रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे जरूर से देख लेना. बाकी 18 मिनट तो पार हो गया जैसे कि आप देख सकते हो, अभी भी 99 है, तो लास्ट में थोड़ा सा समय लगता है गाइज़,
हर एक फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन एसी चल रहा है तो ज़्यादा हीट तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत हीट हो गया है पर ठीक है, ज़्यादा कुछ हीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही बस वार्म हुआ है बोल सकता हूँ। पीछे से एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देखो गाइस 100% हो गया। ओके तो जैसे गाइस आप देख सकते हो पूरा 100% हो गया 18 मिनट 25 सेकेंड के अंदर। तो ऑलमोस्ट गाइस उतना ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा कि उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कंपनी ने क्लेम किया था 18 मिनट का, 18 मिनट 25 सेकेंड में 0 to 100% 125 वाट के चार्जर के द्वारा 0 to 100% फुल टू चार्ज हो गया।